पुस्तक का नाम प्रज्ञा योग की सुगम साधना, ऑडियो टू। लेखक वेद मूर्ति तपुनिश, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। जप करने के बाद में सूर्य अर्धदान करना चाहिए। भगवान को, सूर्य को, जो आपने जल रखा था, उस जल को सूर्य के सम्मुख चढ़ाते हैं। यह किस काम के लिए चढ़ाते हैं? यह समर्पण है। भगवान को, सूर्य को, सविता को समर्पण है। प्रातः काल आप जप कर रहे हो तो आप पूर्व दिशा में जल चढ़ाइए। सायंकाल को अगर आप जप कर रहे हैं तो पश्चिम दिशा में जल चढ़ाइए। सूर्य नारायण को भगवान का प्रतीक मान करके अपने आप का समर्पण करते हैं। समर्पण का चिन्ह क्या है? कैसे माने कि समर्पण किया है और किसी ने किया नहीं है? अपना सुख बटाना और दूसरे के दुख को बांटना। किसी के दुख को आप बांटते हैं और सुखों को आप लाकर देते हैं तो हम मानेंगे कि समर्पण आपने किया है सूर्य भगवान को। पूजा उपासना के पीछे ये भावना करनी चाहिए। क्या करना चाहिए? पूजा उपासना के बाद में आप जल चढ़ाएं और साथ साथ में ये भावना करें कि भगवान को, अर्थात भगवान के संसार को, हम अपने सुखों को बांटेंगे। संसार में, अर्थात भगवान का विराट रूप है, विराट विश्व है, इसमें जो दुख फैले हुए हैं उनको घटाने के लिए हम कोशिश करेंगे। सूर्य अर्घ देते समय यही भावनाएं होनी चाहिए। हमारे पास जो संपदा है वह जल के रूप में भगवान के चरणों पर गिरे और वह फैल करके सारे वातावरण में फैल जाए। यह भावना सूर्य अर्घ की है। अब एक बात और रह जाती है और वह है तप। आपको विशेष रूप से ध्यान देना है और गौर करना है। रविवार के दिन या गुरुवार के दिन, दो में से कोई एक दिन चुन लीजिए। सप्ताह में एक दिन तो तप करना ही चाहिए। वैसे तो रोज ही करना चाहिए। आदमी को पर अगर रोज नहीं कर सकता तो कम से कम एक दिन उसको अवश्य करना चाहिए। रविवार और गुरुवार में से आपको जो ठीक पड़ता है उसे चुन लें। छुट्टी वाला दिन प्रायः लोग पकौड़े कचौड़ी बनाते रहते हैं, मित्र यार दोस्त आते रहते हैं। उस दिन और कोई दिन अच्छा होता तो ऐसा मालूम पड़ता है कि आपको तो उस दिन भी कर सकते हैं, लेकिन एक दिन आपको तप का अभ्यास अवश्य करना चाहिए, अपने आप को तपाने का। तपाने से ईंट पक्की हो जाती है, तपाने से सोना साफ हो जाता है, तपाने से लोहा साफ हो जाता है, तपाने से पानी स्टीम बन जाती है। अपने आप को तपाना आवश्यक मानिए। यह तो था भगवान का योग और अब शुरू होता है तप। तप में क्या काम करना चाहिए? तप का आपको प्रतीक बताता हूं, थोड़ा थोड़ा कर लीजिए। उसका सिद्धांत आपको याद रहना चाहिए। सिद्धांत आप भूल जाएंगे तो मुश्किल पड़ेगी। एक तो है आस्वाद व्रत का परिपालन। आप उसे एक समय का ही रखिए। अगर दोनों समय आपके लिए संभव नहीं तो स्वाद का त्याग कीजिए। नमक और शक्कर दोनों चीजों का त्याग करने का मतलब यह है कि आपने स्वाद पर विजय प्राप्त कर ली। जीहा इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है। जीहा इंद्रियों पर ध्यान रखिए। आपको डुबो देने वाली, आपको परेशान करने वाली, हैरान करने वाली यह इंद्रिय बड़ी खराब है। आगे से आप जो कोई भी जप करेंगे, तप करेंगे, कोई मंत्र का उच्चारण करेंगे तो ध्यान रखेंगे। इसलिए पहला काम है जीभ पर कंट्रोल करना, वाणी पर कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन खाने पर तो करना ही करना चाहिए, स्वाद पर। एक समय नमक मत मिलाइए। जब ज्यादा नहीं खाएंगे तो फिर आप पेट के लिए खाएंगे, फिर आप स्वाद के लिए भोजन नहीं करेंगे। तो अस्वाद का अभ्यास हम में से प्रत्येक आदमी को करना चाहिए, चाहे सब कहां में एक टाइम ही हो। यह एक तप हुआ। नंबर दो, वाणी जो हमारी है, इससे हम उच्चारण करते हैं तो समझ सोचकर उच्चारण नहीं करते। हमको क्या करना चाहिए, किससे क्या बात करनी चाहिए, किससे नहीं करनी चाहिए,
जो हम कह रहे हैं वह दूसरे के लिए फायदेमंद है या नुकसानदेह है और दूसरे आदमी का दिल दुखाने वाली है क्या नहीं है, हम कुछ नहीं सोचते। जो मुंह में आता है उल्लम गल्लम वही हम बकते रहते हैं। यह ना बक करके एक-एक शब्द को समझकर सोचकर बोलना चाहिए। अभ्यास के लिए हमको मौन धारण करने की जरूरत है। 2 घंटे का मौन रहिए आप। तमाम दिन तो मुश्किल है आपके लिए। तमाम दिन कैसे मौन रहेंगे? कभी बोलेंगे, कभी चिट्ठी लिखेंगे, कभी हाथ से लिखेंगे, कभी क्या करेंगे, कभी क्या करेंगे। कम से कम 2 घंटे का मौन तो रखिए ही। उस समय रखिए जब लोग मिलने जुलने वाले आपके पास ज्यादा आते जाते हैं। मौन के लिए सुबह का वक्त ठीक ही हो सकता है और शाम का वक्त भी ठीक हो सकता है। दिन में आपको अपनी दुकान से टाइम ना मिलता हो तो आप सवेरे शाम का रख लीजिए। नहीं साहब, हम तो सोया करेंगे तब मौन रखा करेंगे। रात को सोने में क्या मौन रखना? उस तरह के टाइम पर जिस पर कि लोगों के मिलने जुलने की संभावना हो, घर वाले भी आपसे मिलते ही हैं सुबह शाम, और रात को घर वालों को तो आप बता भी सकते हैं, समझा भी सकते हैं, कह भी सकते हैं, भाई बोलना मत हमसे। यह समय हमारे मौन धारण करने का है। मौन भी एक तप है। हम आजकल मौन का अभ्यास करते हैं। इससे पहले भी ऋषियों ने मौन के अभ्यास किए हैं। वाणी से वाणी का मौन, जिसका अभ्यास करने से वाणी में तेजस्विता आती है। वाणी से हम जो कुछ कहते हैं उसका दूसरों पर असर पड़ता है, पर जब हमारी वाणी अस्त व्यस्त है और किसी पर असर नहीं पड़ेगा। इससे आप संगीत गाएं, गाना गाएं, व्याख्यान दें, परामर्श दें, प्रवचन दें, कोई नहीं करेगा वह काम। अतः वाणी हमारी शुद्ध हो इसके लिए हमको मौन का अभ्यास करना चाहिए, स्वाद का अभ्यास करना चाहिए। इतना ही नहीं, हमारा आहार भी पुनीत हो। आहार को पुनीत करने के लिए आपको अस्वाद का अभ्यास करना चाहिए। इसके सिवाय दूसरी बात है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य में 2 बातें आती हैं। एक तो शारीरिक संयम। उस दिन जिस दिन आपको यह व्रत रखना है उस दिन आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। धर्म पत्नी आपकी है तो भी करना चाहिए और धर्म पत्नी नहीं है तो भी करना चाहिए। धर्म पत्नी नहीं है तो कैसे करें? वास्तव में ब्रह्मचर्य जो खंडित होता है आदमी की कल्पनाओं से होता है। शरीर की कोई बात नहीं है। शरीर में तो स्वप्न दोष भी हो जाते हैं। स्वप्न दोष से पानी का क्षय हो जाना कोई नुकसान का नहीं है, जितना कि हम महिलाओं के संबंध में गलत दृष्टिकोण रखें। उस दिन आप खास तौर से अपने मन में ये विचार कर लीजिए कि कोई विचार आपके मन में इस तरह का ना आए। आए तो इस विचार के ठीक उल्टे विचार शुरू कर दीजिए। कोई गंदा विचार आपके दिमाग में आया है तो उससे ठीक उल्टा विचार शुरू कर दीजिए। लीजिए, आपको खाने के संबंध में आता है तो उन लोगों का ध्यान रखिए जिन लोगों ने अस्वाद व्रत रखे हैं। काम वासना का विचार आया है तो ये ध्यान रखिए कि हनुमान जी ने, भीष्म पितामह ने, स्वामी दयानंद ने, शंकराचार्य ने, इन लोगों ने किस तरीके से अपना जीवन जिया, किस तरीके से शक्ति का संग्रह किया, इस बात का विचार कीजिए। विचारों को विचारों से काट दीजिए। विचारों को रोका नहीं जा सकता। एक तरह के विचारों को हटाकर दूसरा तरह के विचारों को उसके स्थान पर ले आए तो हमारा विचारों पर कंट्रोल करना सुगम हो जाएगा। ब्रह्मचर्य वास्तव में अपने विचारों पर कंट्रोल करने की विद्या है। ब्रह्मचर्य माने संयम। इस तरीके से वाणी का तप और कामेंद्रियों का तप, इन दोनों तपों को करना चाहिए। तप 4 तरह के होते हैं। सारी इंद्रियों का तप 1, पैसे का तप 2, समय का तप 3 और विचारों का तप 4। इंद्रियों की बात हो चुकी, अब दूसरा तप है पैसे का। आप जो भी पैसा खर्च करें उसमें एक एक पैसे को ध्यान में रखिए और कहीं ये गलत खर्च तो नहीं हो रहा,
कहीं किसी पैसे का आप गलत खर्च तो नहीं कर रहे? हमने 200 रुपए महीने में बहुत सारी जिंदगी काट डाली। यहाँ आने से पहले हम अखंड ज्योति कार्यालय में जितने समय तक रहे हैं, हमने 200 रुपए महीने में ही अपना समय काटा है। 35 साल के करीब हम अखंड ज्योति कार्यालय में रहे हैं। वहाँ भी हमारी गवाहियाँ सुरक्षित है, ताकि कोई आदमी ये ना कहे कि 5 आदमियों की गृहस्थी 200 रुपए में नहीं चल सकती। जरूर चल सकती है। पैसे का संयम कीजिए। पैसे का संयम करेंगे तो बुरे कामों से बच जाएंगे, नशाखोरी से बच जाएंगे, दुर्व्यसनों से बच जाएंगे। अगर पैसे के ऊपर आपका नियंत्रण नहीं है और मन चाहे जिस तरीके से पैसा खर्च करते हैं, तो फिर आपके अंदर 90 बुराइयां पैदा हो जाएंगी और फिर उनको आप रोक नहीं पाएंगे। इस तरीके से इंद्रियों का संयम एक, पैसे का संयम दो। अब तीसरा संयम आता है समय का। समय का भी आप टाइम टेबल बना सकेंगे। टाइम टेबल बनाकर आप काम करेंगे तो विनोबा ने इतनी लंबी यात्रा भी पूरी कर ली थी और इसके साथ साथ में पढ़ने लिखने का काम भी जारी रखा। 23 भाषा के विद्वान थे वे। उन्होंने अपने समय का विभाजन इस तरीके से किया हुआ था कि 1 सेकंड भी बेकार नहीं जाता था। विश्राम करना, विश्राम भी समय पर था। विनोबा शाम को 6 बजे सो जाते थे। गर्मियों में 7 बजे सूर्य अस्त हो जाता है तो भी वह 6 बजे सो जाते थे। उन्होंने ये कभी नहीं देखा कि सूर्य आगे चलता है कि पीछे चलता है। उन्होंने घड़ी के ऊपर जिंदगी को नियमित रखा। जितने भी संसार में महापुरुष हुए हैं, उन्होंने काल को पाटी से बांध कर रखा था। रावण ने काल को पाटी से बांध रखा था। आप भी काल की पाटी को बांध कर रखिए। घड़ी को अपनी कलाई से बांध कर रखिए। घड़ी के कहने पर अपने चलने का, फिरने का, खाने का, पीने का, सोने का, उठने का कार्यक्रम बनाएं। आप अपना समय आपके अधिग्रहित होना चाहिए। समय आपका अस्त व्यस्त नहीं जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि समय को आप बेसिलसिले और बेहिसाब खर्च करें। समय का निग्रह है ये। समय संयम के बाद आता है विचारों का निग्रह। विचारों का निग्रह कर नहीं पाते लोग, चाहे जो सोचते रहते हैं। रात को सोते हुए आंख खुल गई तो ना जाने कहां के विचार कर रहे हैं, किस तरह के विचार कर रहे हैं, असंभव बातों के भी विचार कर रहे हैं। रात को सिनेमा देखा था, फला औरत देखी थी, कैसी अच्छी थी, उसकी हम चाह रखते हैं, उसका हम ऑटोग्राफ लेकर आएंगे। अरे बाबा, कहां से ऑटोग्राफ लेकर आएंगे? वहां तक का किराया तो भी नहीं दे पाएंगे, फिर ऑटोग्राफ कैसे लेकर आएंगे? इस तरीके से विचारों का निग्रह करना आना चाहिए। विचार जिस काम में लगाना चाहिए, उसी काम में अगर आप लगाएं, तो आप वैज्ञानिक हो सकते हैं, साहित्यकार हो सकते हैं। जितने भी संसार में सफल जीवन के मनुष्य हुए हैं, उन लोगों ने अपने विचारों पर कंट्रोल करना सीखा था। विचार को इस तरीके से उपयोग किया कि जहां करना है बस उसी जगह करना है, जहां नहीं करना है उस जगह नहीं करना। मन के ऊपर नियंत्रण करने की विधि यही है कि विचारों को अस्त व्यस्त ना होने दें। विचारों को काम में लगा दें। आप अस्त व्यस्त हैं, कहीं घूमने के लिए विचार बन रहा है तो वहां से हटाइए और जो आपके पास में ढेरों के ढेरों समस्याएं हैं उनके ऊपर लगाइए। बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, धर्म पत्नी का स्वास्थ्य कैसे अच्छा करेंगे, अपने जीवन को भी ठीक कैसे बनाएंगे, आप इन तरीके की योजनाएं बनाने में, विचार करने में विचारों को लगने दीजिए। जब खाली समय हो तब, और जब खाली समय ना हो तब भी। अपने काम को अपने सम्मान का प्रश्न बनाकर के सारे मन को उसी में लगा दीजिए। मन को 1 मिनट भी खाली रहने मत दीजिए। कोई काम आपके पास है तो उस काम को इस तरीके से करिए मानो ये हमारे लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी का काम है, और जो काम आपके हाथ में ले रखा है उसे पूरी जिम्मेदारी समझकर ही करिए। फिर देखिए आपका काम कैसा बढ़िया, कैसा शानदार, कैसा अच्छा खूबसूरत काम हो गया। इस तरीके से विचारों का संयम एक, समय का संयम दो, पैसे का संयम तीन,
और इंद्रियों का संयम चार। चार संयम अगर आप करते रहे तो मैं आपको तपस्वी कहूंगा। इसकी शुरुआत करने के लिए आप जीभ से और कामेंद्रियों की काम वासना के विचार और स्वाद के विचार, इन दोनों को निकालना शुरू करें। ये सबसे पहला शुरुआत का चरण है। इसके बाद के जो चरण हैं, वे वही हैं जिनका मैंने अभी आपको निवेदन किया। इस तरीके से रविवार और गुरुवार के दिन आप शुरुआत करें और पीछे तो आप तमाम दिन कीजिए, हर दिन कीजिए। यह तो हर दिन करने की चीज है। आपको ये नहीं कहा जा रहा है कि आप केवल गुरुवार को ही करेंगे, फिर आपको चाहे जो छूट मिल जाएगी, फिर चाहे जब आप करेंगे, गुरुवार से आप शुरुआत करेंगे। प्रज्ञा योग यही है। दूसरा काम आपको ये करना है कि सोते और उठते समय नए जन्म और मृत्यु को याद रखेंगे, शुद्धता रखेंगे। शुद्धता रखने के लिए पवित्रीकरण, प्राणायाम और न्यास सब करेंगे और देव सेवा तथा देव पूजन करेंगे। जल, अक्षत, धूप के अनुरूप अपना जीवन बनाएंगे। भक्ति योग के लिए तीन मालाएं करेंगे, एक अपने लिए, एक अंतःकरण संशोधन के लिए, एक अपने शरीर के सामर्थ्यवान बनाए रखने के लिए। सविता का ध्यान करेंगे। गायत्री जप के साथ साथ में सविता आपको बल दे, ज्ञान बुद्धि दे। अर्ध ध्यान करते हुए बराबर यह बात कहेंगे, अपने सुख बांटिए और दूसरों के दुख बटाइए। रविवार और गुरुवार में से किसी एक दिन आप यह करेंगे, बस इतना ही प्रज्ञा योग है। प्रज्ञा योग आप नियमित रूप से कीजिए। समझना है तो फिर आकर सीख लेना कभी। प्रज्ञा योग की आप साधना कीजिए। इस समय यह आपके लिए पर्याप्त है। आज की बात समाप्त। ओम शांति।